राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर वो मेरी वोट है तो उसको डॉक्टर जैसी छोटा समझ कर, अगर
क्या कैसे क्या हाल हुआ उसका आपको पता है। और अगर मैं विधानसभा में इनकी हालात इससे बदतर होने वाली, अभी तक इतने बटले तो किस तरीके से ये पहले लड़ते थे उससे पूरी तरीके से इनको जनता आपको दिखाओ। और उसके सामने ना टूटने दल की बात है साथियों, कांग्रेस के सामने जो दूसरा था राष्ट्रीय लेवल का आपके मुकाबले में वो भारतीय जनता पार्टी। मैं तो एक चीज जरूर आपको बताऊं कि करोड़ों रुपए मुख्यमंत्री ने इस यात्रा में जो आशीर्वाद के नाम पर प्रदेश में जाए थी सरकारी खजाने से लटकाने का काम किया। मुख्यमंत्री जो कहते थे नौकरी याद होगा, मैं इस प्रकार से प्रदेश की सुरक्षा करूंगा, मैं इस प्रकार से प्रदेश के अंदर भय का माहौल बनाने का काम करूंगा। 5 साल और 5 साल के अंदर साथियों 80 लोगों की सरकारी कोड़ी से जान लेने का काम किया। 5 साल के अंदर 4 बार प्रदेश को जलाने का काम किया। साथियों 5 साल के अंदर लाखों युवाओं को बेरोजगार करने का काम किया। इनके पास बीजेपी वालों के पास दो ताकतें हैं, एक ताकत है मनी पावर पैसे की ताकत। साथियों ये तो सरकारी रिकॉर्ड बताता है कि 2017 के इनकम टैक्स के अंदर भारतीय जनता पार्टी में लिखित में अलिखित में माना है कि हमें 1,000 करोड़ रुपया चलने के तौर पर वसूल किया। साथियों 1,000 करोड़ रुपया तो हम सब मिलकर अपनी जमीनें बेचते भी थे तो भी शायद पूरा नहीं कर सकते, तो इतनी पैसे की ताकत में आगे तो आप नहीं लड़ पाओ। और दूसरी ताकत है इनकी मीडिया की ताकत। साथियों 6 प्रदेशों में बाढ़ आई, हजारों लोग लाखों लोग देख रहे होंगे, सैकड़ों लोगों की मौत होगी मगर उसका कोई मतलब नहीं। साथियों हमारे पड़ोस दिल्ली जो हमारे देश की राजधानी है, 516 साल पुराना संत शिरोमणि रविदास जी का मंदिर तोड़ा गया, रातों रात उसको जगह से गायब कर दिया गया, मगर एक खबर भी किसी राष्ट्रीय चैनल पर आपको देखने को नहीं। साथियों आप खुद भागकर देखो आप देश की अर्थव्यवस्था क्या, दिन प्रतिदिन हजारों युवा बेरोजगार हो रहे, आप धंधे बंद हो रहे हैं लोगों के, मगर क्या वो टीवी पे उसका प्रचार दिखता है। मैं टीवी पे एक चीज जरूर दिखती है, भाई मोदी तो अमेरिका जा लिया, मोदी तो ट्रंप के सभी ये समझने की बात है, ये मोदी सिर्फ फोटो निकाल कर रह जाएगा, अगर करता मोदी तो हमारे बीच में 14 दिन पहले आया था बताओ हरियाणा के लिए क्या देखे गया, प्रसार भारतीय होता। उस समय ये बातें
कार्यकर्ताओं की शक्ति मैन पावर है। इस बीजेपी की मनी पावर मीडिया पावर के आगे अपनी मैन पावर दिखाने का काम करो। हमारे बीच में बहुत ही आदरणीय हमारे उपाध्यक्ष सिंह जी बैठे। जब मैं पहली बार प्रचार में गया मेरे को मिले तो मैंने पूछा प्रधानमंत्री आपने राजनीति में कार्यकर्ता के बतौर कैसे काम किया। कहता पुत्र मेरी तो एक तरफ थी कि दौरे देवराज का चुनाव थी रोहित और मैं चट्टी लेके रुयाती करता थी और शाम को पोस्टर लाता थी। साथियों ये मैन पावर थी जो 1987 में बुनियादी और पोस्टरों से हर वोट पर हर घर तक पार्टी का प्रचार करने आई थी और आज भी आपसे आगे करता हूँ कि उस मैन पावर में उस मीडिया पावर और मनी पावर के आगे आज आपकी जरूरत है कि घर जाओ एक एक घर एक एक व्यक्ति तक चाबी का चुनाव की पौधा में आगे बात करो। और आप देखना जो खट्टू साहब ने जो उद्धव साहब ने 15 साल जो चंडीगढ़ के ताले बंद करके रखे किसान करने के लिए आपकी जाति उन तालों को खोल कर छेड़ने के लिए आज देखो चलते चलते काफिले कितने बड़े हो गए।